तो चलिए आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.7 क्लास 7 का ही देखेंगे, ठीक है। क्लास 7 प्रश्नावली 2.7 देखेंगे। बहुत ही इजी है। एक मैं आप लोग से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्त, ये जो एक्सरसाइज है ना 2.7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा दशमलव का भाग ही दिया गया है। पूरा टोटल एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, हाँ 6 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में सिर्फ दशमलव का भाग दिया गया है। और एक मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ कि दशमलव का जो भाग है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टूडेंट के लाइफ के लिए, क्योंकि आप 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, मतलब जब तक पढ़ोगे ना तब तक एक काम आएगा आपको। इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का दशमलव का भाग ही नहीं आता है, तो आगे चल कर वो क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। इसलिए प्लीज बिल्कुल हम धीरे धीरे चलेंगे और सभी दशमलव का भाग आपको आज सिखा कर ही रहेंगे, ठीक है, बहुत मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 0.4/2। आओ पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। बहुत इजी, इतना समझ लो कि है बहुत इजी। इसके लिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है और धीरे धीरे देखते चलना है। हर एक क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी कह दिया, ठीक है। इस बात से आप लोग निपुण हो जाइए कि हमारा आज प्रश्नावली 2.7 बहुत ही अच्छे तरीके से सल्व होने वाला है, समझ में आने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, 0.4/2 है। 0.4 भागा कहने का मतलब है बाटा में, तो इसको हम ला दिए बाटा में 2। ऐसा क्वेश्चन है आपको, तो इसको हम दो तरीका से बनाना सिखाएंगे आप लोग को। एक तो जो आप लोग पढ़ते हो सिंपल भागा, जैसे 0.4 में 2 से भाग देना है, ठीक है। कैसे करेंगे पता है? देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, क्या बच गया 4, 2 दूनी के 4 हो गया, यहाँ पर 2, यानी 0.2 आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी आप लोग को उस तरह से बनाना अब सीखने की ज़रूरत है नहीं, इससे भी बहुत इजी तरीके आपको बता रहे हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो सीख लो, 0.4 है। जब हम पॉइंट को हटाते हैं ना, इस तरह से हटाने का साइन है, जब पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में 1 आ जाता है, गुना में नीचे 1 आ जाता है। अब पॉइंट के बाद देखेंगे जितना अंक रहता है उतना नीचे 1 पर 0 बैठा देंगे। कितना अंक था? 1, तो यहाँ पर 1 0 बैठा लेंगे। 2 अंक रहा था तो 2 0 बैठाते, ये होता है, ठीक है। तो क्या बच गया आपका? आपका बच गया ऊपर में 4, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, यानी 4 बच गया, 4 और नीचे 10 2 20। इसको 2 से कटाएंगे तो 2 2 का 4 आए 2 10 10, यानी 2/10 आ गया। ये मेथड नहीं उपयोग करना है, यही मेथड आपको पूरा क्लास 7 में पढ़ना है और इसी तरीके से आप बनाना सिखा देंगे, इतना ईजी है कि कहोगे नहीं। 2/10, अब 2/10 आया ना, जानते हो क्या करेंगे हम? नीचे देखेंगे कितना 0 है, 1 0 है, तो सीधा क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है बताते हैं। इसको देखो, ये 2 है तो 2 का 2, 2 का 2, 1 0 है तो 1 1 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। जब यहाँ पर देखो ये जो रहेगा उसको लिख लेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे कि हमारा कितना 0 है, तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 1 0 बैठा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये कितना है, 0.35/5 है, ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाते हैं तो 1 आ जाता है, उसके बाद 2 को अंक है तो 2 0 बैठा लिए, ठीक है। कितना हो गया आपका? ये हो गया 35/500, ठीक है। इसको कटाएंगे 5 से तो 5 7 35, और एक कट जाएगा 5 एक बार में 0, 100 बार में, यानी ए आ गया 7/100, ठीक है। अब देखो 7/100 आ गया, हम आपसे क्या बोले हैं? हम आपसे बोले हैं कि नीचे देखेंगे 0, कितना 0 है? 2 0, यानी 2 0 के बाद आपको पॉइंट लगाना होगा। तो हम क्या किए, सबसे पहले जो 7 लिखा रहता है उस 7 को लिख लेंगे, ठीक है। अब हम तो बोले थे कि 1 0 के बाद पॉइंट बैठाते हैं, तो यहाँ पर तो 2 0 है तो 2 0 के बाद पॉइंट बैठाएंगे ना, तो देखो यहाँ पर तो 1 ही अंक है तो 1 हम 0 दे देंगे,
और उसके बाद दो जीरो है तो दो जीरो के बाद पॉइंट बैठा लेंगे, और उसके पहले क्या करेंगे, उसके पहले जीरो एक लगा देंगे, इतना आंसर हो गया। ठीक है, अभी समझ में आएगा, दो चार क्वेश्चन कर लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। 2.48 बटा में 4 है। अब इसको देखो, इसको भी करना बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पर है पॉइंट उड़ाएंगे तो एक और दो अंक है तो जीरो, अब इसको कटाओ तो कट जाएगा, तो ठीक ही है। देखो तो जैसे हम यहाँ पर कटा रहे थे तो इसको यहीं पर कटा देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। चार से कटाएंगे 248 कितने बार में कट जाएगा, 4 से 24 यानी 64 बार में। ठीक है, तो ये आ गया आपका 64/100। देखो हम पहले 64 लिख लेंगे, जो था उसको लिख लेते हैं। दो जीरो है तो दो अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, देखो एक दो, दो अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे, उसके पहले एक जीरो बैठा लेंगे, आंसर सब ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ध्यान देते जाना। 65.4/6 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक जीरो आ जाएगा, इसको कटाओ तो एक कट जाएगा, 6 एक बार में और 6 एक बार में तो ये हो जाएगा आपका 6 एक बार में और जीरो और 9 6 54 9 बार में, 109 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में बच गया 109 और बाटा में 10। देखो ठीक है, तो देखो ये 109 हो गया, अब बाटा में है पहले, तो देखो 109/10, तो पहले 109 को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने 109 लिखा, अब हम चेक करेंगे कि नीचे कितना जीरो है, तो एक जीरो है, एक जीरो एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो, 651.2/4 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक अंक, एक लग जाएगा, जितना पॉइंट के बाद जीरो अंक है उतना जीरो बैठा देंगे। यहाँ से इसको कटा दो, 4 से कटेगा एक बार में और 4 6 24 और 11 हो जाएगा, 4 2 8 ये 3 8 4 32 यानी एक कट जाएगा 16 200 इतना बटा 10, मतलब इसको भाग देंगे तो इतना बार में कट जाएगा। अब देखो इसको तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, हम क्या बोले थे कि यहाँ पर जीरो देखेंगे, जीरो एक है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, आंसर भाग देने की जरूरत है ही नहीं, बस ऐसा कर दो आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ये भी देखो, 14.49/7 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो एक और उसके बाद जितना अंक उतना जीरो, कितना हो जाएगा, इसको कटाओगे तो कटा दो इसको पहले, 7 2 14 और 7 7 49 यानी ये जाएगा 207/100। इसको भाग देखो, पहले 202 207 को तो लिख लिए, दो अंक के बाद पॉइंट, दो अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, आंसर कितना ईजी है भाग देना, बस सीख जाओ। क्वेश्चन यहाँ तक प्रैक्टिस करते आ गए होंगे तो बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कहाँ सर आ गया। ठीक है, 3.96/4, पॉइंट उड़ाएंगे एक, जितना अंक उतना जीरो, इसको कटा दो, 4 4 8 32 4 9 36 नौ बार में और 3 और 4 9 36 99 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर में 99 और नीचे में इतना। अब देखो पहले 99 तो लिख लेंगे, दो जीरो है एंड दो अंक के बाद पॉइंट, इधर से एक दो पॉइंट, उसके पहले एक जीरो लगा दो, हो गया। ठीक है, अब ये देखो 0.80/5 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक, दो अंक है जीरो, इसको कटा दो, 16 5 80 ये हो गया 16/100, पहले 16 को लिख लेंगे, दो अंक है, दो अंक के बाद पॉइंट, एक दो पॉइंट, उसके पहले एक जीरो लगा दो, कुछ नहीं है तो, हो गया कंप्लीट। तो बहुत ईजी है ये दशमलव का भाग, यदि बाटा में 100 10 1000 रहे तो, यदि अंक दे दिया जाएगा तो उसके लिए भी क्वेश्चन दिया गया आपके बुक में, ठीक है वो भी बताएंगे। देखो ये भी 10 ही 20 वाला है, तो ये भी तो ईजी है, लेकिन आगे अभी आपको मिलेगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है देखते जाओ खाली। 4.8/10 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक जीरो, इसको कटाओ तो कटेगा नहीं कटेगा, तो 48/ कितना हो जाएगा, 10 10 में 100, देखो 48 है तो 48 को लिख लेंगे, दो जीरो है एक दो पॉइंट बैठा देंगे, उसके पहले कुछ नहीं तो जीरो बैठा देंगे। अब ये देखो 52.5/10, पॉइंट नहीं एक, जितना अंक उतना जीरो, ये हो जाएगा 225/10 10 100। अब ऊपर वाला अंक ज्यों का त्यों लिख लेंगे, दो अंक है तो दो अंक के बाद पॉइंट, एक दो
उसके बाद पॉइंट आंसर। अब ये देखो 0.7 है और नीचे 10 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक, जितना अंक उतना जीरो, तो हो जाएगा 7/100, यानी कितना, दो अंक है ना, तो पहले तो 7 लिख लेंगे, और दो अंक है, दो अंक यहाँ पर है ही नहीं, तो एक क्या करेंगे जीरो बढ़ा लेंगे, एक दो अंक हो गया, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद जब कुछ नहीं रहता है तो एक पॉइंट लगा देते हैं आंसर। ये देखो 33.1/10 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक, जितना अंक उतना जीरो, तो ये हो गया 331/100। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 331/100 है तो दो अंक है ना, तो दो अंक के बाद क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे और दो अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे आंसर। यहाँ देखो 272.23/10 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक, जितना अंक उतना जीरो, कितना हो जाएगा 273/20 हो जाएगा। देखो 1, 2, 3, पहले तो ऊपर वाला जो है उसको लिख लेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे आंसर। भाग देने की जरूरत है ही नहीं, जब ऐसा रहे तो, जब अंक दिया रहेगा 2, 3, 4, 5 रहेगा तो भाग देना पड़ता है, लेकिन 100, 1000, 2000, 2000 तो नहीं, 100, 10, 100, 1000, 10000, 1 लाख रहे, इसी तरह से बना दिया जाता है, ठीक है, जल्द बनेगा। अब ये देखो 0.56/10 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक, दो गो अंक है तो दो गो जीरो, 56/1000 हो जाएगा। देखो पहले 56 को तो हम लिख लिए, 1, 2, 3 अंक है, 3 अंक के बाद पॉइंट, 1, 2 पॉइंट, अंक नहीं है तो एक अंक बढ़ा लेंगे जीरो, और उसके बाद पॉइंट बढ़ा देंगे, जब कुछ नहीं रहता है तो बाद पहले भी इसको पॉइंट के पहले जीरो लगा सकते हो। यहाँ देखो 3.97/10 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक, दो गो अंक है दो गो जीरो, 397/1000, 3 अंक के पहले ऊपर जो दिया है उसको लिख लेंगे, 1, 2, 3 जीरो है, 1, 2, 3 पॉइंट के बाद, और जब कुछ नहीं रहता है तो जीरो बैठा देंगे, कंप्लीट। तो इस तरह से बनाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो बताना यार, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हो 8383896119, आप पूछ सकते हो मेरे से कॉल करके, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो 2 था ना, अब हम 3 को देखेंगे, 3 यहाँ है, देखो ये भी वैसा ही बनेगा, 2.7/100, पॉइंट उड़ाएंगे एक, एक अंक है तो एक को जीरो, ये हो गया 27/10 पर, 1/3 को जीरो, पहले 27 को लिख लेंगे, 1, 2, 3 अंक है तो 1, 2 अंक नहीं है तो जीरो बैठा लेंगे, उसके बाद पॉइंट, क्योंकि 3 अंक के बाद 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 1, 2, 3 पॉइंट बैठा लिए, जब इससे पहले कुछ अंक नहीं थे 0 बैठा देंगे अच्छा लगने के लिए, नहीं तो इतना पर ऐसा भी लिखोगे 0.023 27 तभी भी हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं पॉइंट अच्छा लगने के लिए। यहाँ पर 0.3/100, पॉइंट उड़ाएंगे कितना हो जाएगा, एक अंक है ना तो एक जीरो, 3/1, 2, 3 देखो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, 1, 2, 3 पॉइंट है, 3 अंक जीरो है, तो 3 पॉइंट के बाद जीरो ना, एक अंक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर पॉइंट, जब कुछ नहीं तो जीरो बैठा देंगे आंसर। यहाँ देखो 0.78/100, पॉइंट उड़ाएंगे तो एक, दो गो अंक है तो दो गो जीरो, 78/1 पर कितना जीरो, 4 गो, कितना जाएगा, 78 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 जीरो, तो 4 अंक के बाद पॉइंट, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद पॉइंट, उसके बाद एक जीरो बैठा देंगे अच्छा लगने के लिए। अब देखो 4, 3, 2.6/100, पॉइंट उड़ाएंगे एक और एक अंक है तो एक जीरो, ये हो गया इतना बटा इतना, 1, 2, 3 अंक के बाद, 1, 2, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे, 1, 2, 3 हो गया। ये देखो 23.6/100 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक जीरो, 2, 3, 6/1000, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, पहले इसको लिख लो 1, 2, 3 पॉइंट बैठाना है, पॉइंट बैठा लेंगे, उसके बाद पहले जीरो लगा देंगे। अब तो आप समझ गए होंगे, ऑलराउंडर आप बन गए होंगे, मेरे को पता है, ठीक है। इतना है अब बाटा में 100 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक, जितना अंक उतना जीरो,
अब 9853 बटा 1 पर कितना जीरो, 4 गो 0। देखो 4 गो 0 तो चार, पहले जो ऊपर दिया है उसको लिख लेते हैं। अब नीचे देखेंगे 1 2 3 चार अंक है, 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट बैठा लेंगे, जब कुछ नहीं दे रहा तो उसको 0 बैठा लेते हैं अच्छा लगने के लिए। हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर तो बिल्कुल ईजी है, 4.9 बटा 1000 दिया है, पॉइंट उड़ाएंगे एक और 0 बढ़ जाएगा, तो ए हो गया 1 पर कितना 0, 4 गो, 2 3 4, तो ऊपर वाला जो दिया रहता है उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे देखो, 1 2 3 4, 4 गो 0 है तो 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 नहीं है तो एक और पॉइंट 0, एक और 0, 4 अंक हो गया, उसके बाद पॉइंट उठा लेंगे, उसके पहले 0 लगा देंगे, हो गया। अब ये देखो 1000 है तो 1000 पॉइंट उड़ाएंगे, 1 और 1 अंक है तो 1 0, ये हो जाएगा 263 बटा 1 पर कितना 0, 4 0, 2 3 4, क्या हो जाएगा 4। देखो पहले जो ऊपर दिया उसको लिख लो, 1 2 3 4, 4 0 है तो 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4.0। अब यहाँ देखो 38.53 बटा 1000, पॉइंट है उड़ाएंगे तो 1 2 अंक है तो 2 0, 38.53 बटा 1 पर कितना 0, 5 0, पहले इसको लिख लेंगे, नीचे 5 0 है तो 1 2 3 4, 1 नहीं है तो 1 बढ़ा लेंगे, 5 पॉइंट हो गया, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, उससे पहले 1 0 लगा देंगे। अब ये देखो 128.9 बटा 1 पर 3 को 0, पॉइंट उड़ाएंगे 1 और 0, ये हो जाएगा 28.89 बटा 1 पर 4 0, पहले जो 28.89 दिया उसको लिख लिए, नीचे देखेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट, उसके बाद 0। यहाँ देखो 0.5 बटा 1000, पॉइंट उड़ाएंगे 1, जितना अंक उतना 0, 5 बटा 3 अंक और 1 4 अंक, 2 3 4 अंक। देखो ऊपर वाला पहले लिख लेंगे, अब तो 1 2 3 4 0 है, 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाना चाहिए, तो नहीं है तो क्या करेंगे, 3 को 0 बैठा लेंगे। अब देखो 1 2 3 4 पॉइंट, उससे पहले 0 लगा देंगे, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर लगभग 4 भी कंप्लीट हो गया, शायद और एक दो क्वेश्चन है, देखिए शायद और एक दो क्वेश्चन है, हाँ और एक दो क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, नहीं अब नहीं है, ठीक है अब नहीं है, पांचवा है, पांचवा है, हाँ पांचवा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या है देखो, 7 भागे 3.5, अब ये देखो इस पॉइंट को उड़ाएंगे, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट उड़ाएंगे तो 1, जितना अंक उतना 0, तो ये हो गया 10 70 बटा 35 ना, 35, तो इसको भाग देंगे दो बार में कट जाएगा, 35 दूनी 70, 2 आंसर हो गया। अब ये देखो 36.36 भागे 0.2 है तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 1, जितना अंक उतना 0, ये हो जाएगा इतना बाटा में 2, भाग दे दो, भाग देंगे तो 2 एक बार में, फिर हो जाएगा 16 8 दूनी 16 0, मतलब सिंपल भाग है, भाग दोगे 180 आ जाएगा। इसको देखो 3.25 बटा 0.5 है, इसको पॉइंट को ऊपर वाला उड़ाएंगे तो 1, जितना अंक उतना 0, नीचे वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो 1, जितना अंक उतना 1 अंक है ना तो 1 0, तो ऊपर हो गया 5 0 और नीचे हो गया 500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, 5 से कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो 100 हो जाएगा, इसको 5 से कटाएंगे, 5 6 30 और हासिल इसमें चल जाएगा, 2 5 25 0, यह आ जाएगा 650 बटा 100। देखो 100 वाला में आ गया ना, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर ज्यों का त्यों लिख लेंगे, नीचे 2 को 0, 2 0 के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 पॉइंट लगा दो आंसर, ठीक है। अब ये देखो 30.94 है, अब बाटा में 0.7 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो 1, जितना अंक उतना 0, पॉइंट उड़ाएंगे
एक, जितना अंक उतना जीरो। तो ये हो जाएगा 30, 9, 4 और 10 ले गुना करेंगे तो जीरो, और ये हो जाएगा 700। इसको क्या करेंगे, इससे 7 से 7 5 35, 7 6 82 7 8 63, नहीं 7 से तो ये नहीं कटेगा, ठीक है 7 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक देखो माइंड लगाते हैं अपना कि इसको कटाते हैं 7 से, 7 से कटाते हैं, 7 से ये तो कटेगा नहीं यार, लेकिन 7 से कटने वाला नहीं। तो ऐसे करो 1 0 से 1 0 ख़त्म, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब ये देखो इसको हम यदि हम मान लो कितना से कटा दें, ये तो कटने वाला है नहीं, इसको हम मान करके चलो 7 से ही कटाते हैं, ये तो 10 बार में कट जाएगा। ये देखो तो 7 चौका 28, 2 इसमें 7 चौका 28, 7 एक बार में कट गया, नहीं 7 दूनी 14 42, यानी कट जाएगा 4 4 2 30, 94 में 7 से जब भाग दोगे 442 बार में कट जाएगा, नीचे कितना 10। तो देखो पहले ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 1 0 है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर कट जाएगा, आप चेक कर लेना। अब ये देखो 0.5 बटा 0.25 है, पॉइंट उड़ाएंगे एक, जितना अंक उतना जीरो, पॉइंट उड़ाएंगे एक, जितना अंक उतना जीरो। तो ये हो गया 500 बटा 250, तो ये भाग दे देंगे 2 बार में कट जाएगा आंसर। इसको देखो 7.75 बटा 0.25, पॉइंट उड़ाएंगे उतना जीरो, पॉइंट उड़ाएंगे उतना जीरो, कितना हो जाएगा 7 7 5 पर 2 गो 0 और नीचे 2500 पर 2 गो 0, 2 0 2 0 ख़त्म। अब इसको कटाओ, कटेगा क्या, कटा कर चेक करो कि कटेगा कि नहीं कटेगा। यदि हम 5 से कटाते हैं, ठीक है, इसको यदि 5 से कटाते हैं तो ये 50 25, और ये 5 से कटाएंगे 5 एक बार में, फिर 27 हो गया, 50 25, फिर 50 25, 155 बार में, 155 बटा 5 हो गया। अब इसको कटाएंगे 5 से, तो 5 3 15, 5 एक बार में, यानी 31 बार में ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें, और 3 क्वेश्चन है इसी में, इसको भी सॉल्व किया कर लिया जाए। 76.5 बटा 0.15, पॉइंट उड़ाएंगे 1 0, पॉइंट उड़ाएंगे 00 है, 2 अंक है तो 00। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 5 100 है ना, तो 2 गो 0 और नीचे 15 10 है तो 1 0, 1 0 1 0 ख़त्म। अब इसको क्या करेंगे, इतना में 15 से भाग दे देंगे, रफ में भी भाग दे सकते हो, सिंपल ऐसे जो होता है ना 765 0 में 15 से भाग दे दो, तो 15 5 75, कट के एक आ गया 15, एक बार में कटतम 0 है तो 0, और यहाँ भी 0 उतार देंगे, यानी 510 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखो 37.8 बटा 1.4, पॉइंट उड़ाएंगे 1 0, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर में भी 1 0, तो 37.8 0 बटा 140, पॉइंट पॉइंट कट गया। अब इसको भाग दे दो, सिंपल भाग दोगे 300 348 में 14 से, तो 14 दूनी 28, और यहाँ से कितना आएगा 8 2 6 14 5 70, नहीं 14 14 14 14 का कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 14 7 7 4 28, यानी 68 ही होता है, ठीक है, यानी 27 बार में पूरा पूरा कट गया। अब ये देखो 2.73 बटा 1.3, पॉइंट उड़ाएंगे एक, 2 अंक तो 2 0, पॉइंट उड़ाएंगे एक और ऊपर 0, ये हो गया इतना बटा 1300, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया। अब कितना हो गया 273 बटा 130 हो गया, इसको भाग दे दो, यहाँ पर देखो भाग देते हैं, 273 बटा 130 हो गया, भाग देंगे 2 बार में 260 होगा, कट गया। यहाँ से बचेगा क्या आपका, यहाँ से 3 में से 0 जाएगा तो 3 7 में 6 हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे 0 बैठाएंगे, एक बार में चल जाएगा 130, यानी 2.1 आ गया, देखो कितना ईजी है, ठीक है। दशमलव का भाग बहुत ईजी है, क्योंकि 0 वाला ज़्यादा आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी,
मतलब कह रहा है कि मान लो एगो गाड़ी है 2.4 लीटर तेल मतलब भरवाया गया तो 43.2 किलोमीटर गई, तो पूछ रहा है कि 1 लीटर में कितना जाएगी। देखो ये भी भाग ही है, ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसे एग्जाम में बनाइएगा। सॉरी, दिया है जो लिख लेंगे, 2.4 लीटर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है, 43.2 ना, 43.2 किलोमीटर। तब हम क्या करेंगे, 1 लीटर के लिए निकालेंगे, इसलिए 1 लीटर में तय की गई दूरी, 1 लीटर में तय की गई दूरी क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे, तो 43, 43.2 भागे 2.4। तो जब भाग देंगे इसको तो ऐसे करेंगे, 43.2 बटा 2.4 है तो 2.4 पॉइंट है, 10, इधर भी 10, कितना हो जाएगा, 43.20 बटा 24, 0, तो 0, 0 कट गया। इसको जब भाग देंगे तो कट जाएगा, 432 में 24 ले भाग देंगे एक बार में, इसको कराएंगे तो कितने बार में जाएगा, ये हमारा 13 हो गया, तो 4 में से 13 जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, और यहाँ से एक हासिल दे दिया तो 1, यहाँ से 2। अब 24 को कितना से भाग दें, 192 आ जाए, तो 24 को 8 से करेंगे तो 192 होता है, 24 8 है, 192 होता है, यानी 18 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 1 लीटर में तय करके जो दूरी है, लिखेंगे 1 लीटर में कितना जा रही है, 1 लीटर में 18 किलोमीटर जाती है, एक लीटर में कितना जा रही है, 18 किलोमीटर। तो आपसे क्या पूछा है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, हाँ जी 1 किलोमीटर में पूछा गया है, यानी 18 किलोमीटर जाएगी, लास्ट में लिख लेंगे। अतः यह गाड़ी 1 लीटर में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ये आपका आंसर हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 ही तक था, खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर 3 यानी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही, यदि आप लोग कहीं भी दिक्कत आया होगा, जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आ रहा होगा, आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ओके। आई होप कि आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच दोस्त।